प्रभु यीशु कृष्ण में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक बार एक युवक ने कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गया था। एडमिशन लेने के लिए जाते समय इंटरव्यू में उन्हें यही पूछा गया कि इस कॉलेज में एडमिशन क्यों लेते हो। तब ये युवक ने उनसे बोला, मैं अच्छे से पढ़ना चाहता हूं। तो फिर से उनसे पूछा कि पढ़ के क्या करेंगे। तब उन्होंने बोला कि मैं पढ़ के एक अच्छा जॉब करेंगे। और इसके बाद जॉब से बहुत सारे पैसा कमाएंगे और इसके बाद इन्हीं पैसों से मेरे रिटायरमेंट में मेरे जिंदगी अच्छे से जीऊंगा। और इसके बाद अब वो युवक के पास कोई जवाब नहीं था। हमें से बहुत सारे लोगों के जीवन भी इसी प्रकार का है। आगे की अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य की ओर अपने जिंदगी को एक मोड़ देने के लिए हम असमर्थ रह जाते हैं। आज के पवित्र सुसमाचार में हम लोगों को एक नवीन लक्ष्य पवित्र वचन दिखा रहे हैं। वो लक्ष्य है ईश्वर का दर्शन। ये ईश्वर का दर्शन प्राप्त करने के लिए हमारे समक्ष एक कंडीशन रख रहे हैं, वही है हृदय की निर्मलता। क्योंकि संत मत्ती का सुसमाचार पांचवें अध्याय आठवें वाक्य में इस समस्या कहते हैं, धन्य के वे जिसका हृदय निर्मल है वो ईश्वर का दर्शन करेंगे। यही बात इब्रानियों के नाम पत्र 12वां अध्याय 14वां वाक्य में फिर से दोहरा रहे हैं। आप लोग पवित्रता का साधना करें, इसके बिना कोई ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकेंगे। हम भाइयों बहनों, आज प्रभु के दिव्य सान्निध्य में रहते समय उसे ईश्वर का दर्शन करने के लिए अपने आप को तैयार करें। अपने आप को तैयार करते हुए आगे बढ़े। यही बात संत पौलुस ने कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र 7वां अध्याय पहले वाक्य में ही कहते हैं, इसलिए हम हर प्रकार के मन तथा शरीर के दूषणों से अपने को शुद्ध करें और ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए पवित्रता के परिपूर्णता तक पहुंचने का प्रयत्न करते रहे। प्रभु क्रिस्त अपने आशीषों से हम सबको परिपूर्ण करें। सब यीशु।